हाय गाइस, कैसे हैं? आज हम बनाएंगे स्टीम चिकन। तो ये हमने लेग पीस ले लिए, यहाँ पे कट, ये दो पार्ट होते हैं इसके, यहाँ पे कट लगाना है फ्रंट वाले पे। तो मैंने कट लगा दिए नाइफ की हेल्प से, यहाँ पे कट लगाना है। और जैसे कि देख सकते हैं मैंने कट लगा दिए। और अब इसके लिए मसाला हमें चाहिए एक जिंजर गार्लिक पेस्ट, मीट मसाला और एक मैगी मसाला, और एक चेस्ट का पीस भी ले लिए। और ये लहसुन है, इसको हमने बारीक बारीक काटा है, तो इसमें लगाएंगे। इसको अप्लाई कर दिया हमने, स्वाद के अनुसार लगाना है इसको। सेकंड स्टेप है, ये दही लेना है, इतना कोली दही चलेगा। और इसको हमने अच्छे से फैट लेना, कोई लम्स नहीं जाने चाहिए ये इसमें। फिर उसके बाद इसमें हम तीसरा स्टेप है, इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट लगाएंगे चिकन को। अब मैरिनेट करने के लिए ये मसाले हमने लगा दिए। और अब इसको अच्छे से कट भी लगाने हैं। हाँ, चिकन में कट लगा दिए मैंने। और इसमें अब मसाला अच्छे से हम इसको भरेंगे। अब इसमें अच्छे से मिक्स करना है इसमें। और हो गया, अब फोर्थ स्टेप है। और दही में हमने अब मसाले ऐड करने हैं। पहले हम डालेंगे मीट मसाला इसके अंदर, थोड़ा सा ही डालना है, एक चम्मच एक मसाला डाला। इसको हम फेंट लेंगे अच्छे से दही को, ये दही के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको हमें फेंट लेना अच्छे से, कोई बबल्स वगैरह नहीं रहना चाहिए इसमें। अब इसमें हम डालेंगे, फिफ्थ स्टेप है मैगी मसाला, इससे टेस्ट जो अच्छा आएगा। मैगी मसाला डालना है हमने, एक चम्मच ही डालना है इसमें। मैंने पहले से डाल दिया था और वीडियो बनी नहीं थी तब, थोड़ा आप भी दिखा रहे हैं आपको कैसे डालना है। एक चम्मच इसमें मैगी मसाला भी डालना है। और अब फिफ्थ स्टेप है, सिक्स सॉरी, अब इसमें हम डालेंगे मिर्ची, चिली फ्लेक्स। अब कलर वाली भी ऐड कर सकते हैं, अच्छी कलर आएगी। अब इसमें हल्दी डालनी, पिंच हल्दी। अब इसको भी अच्छे से फेंट लेना है कि अच्छे से मिक्स हो जाइए। अच्छे से फेंट लेना है, इसमें कोई बब ध्यान रखना, बबल्स नहीं जाने चाहिए इसमें। तो अब इसको हम चिकन पे लगाएंगे, इसको सेवन्थ स्टेप। अब चिकन में इसको लगाएंगे, ये होगा। इसको हम अच्छे से अब जिसमें कट लगाए हैं चिकन में, उसके अंदर तक इसको डालेंगे। अब इसको फ्रिज में रखेंगे पूरी रात। अब हम स्टीमर ले लिए, पानी डाल दिए उसमें, स्टीमर में पानी डाल दिया, थोड़ा सा ही डालना। फ्लेम गैस ऑन कर दिया, हाई पे बनेगा ये, इसको स्लो गैस पे मत रखना, इसको हाई पे रखना। जितना हाई पे होगा उतना अच्छा ये पकेगा। वो इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा देना, चिपके ना नीचे। अच्छे से इसको लगाना है ऑयल। और ये रात का मैरिनेट हुआ, हमने अब निकालिए फ्रिजर से। अब इसको एक एक करके इसमें रखेंगे। ड्रम से रखने इसके, अब इसमें रखेंगे चेस्ट का पीस। अब इसको कवर कर देंगे हाई फ्लेम पे, इसको बनाना है हाई फ्लेम में, स्लो नहीं करना। तो अब इसको हम देख रहे हैं, अभी हाफ टर्न हुआ है। ये कट लगाया था उसको, इसका यही फायदा होता है कि जो स्किन है इसकी अच्छे से ऊपर आ जाती है, फिर मज़ा आता खाने में। अगर कट नहीं लगाओगे तो फिर ये मांस जो होता है वो सिंगड़ जाता है, मींस क्लोज टाइट हो जाता है बड़ा। तो चिकन वैसे हो गए, हुए 60-70% डन हो गए। इसको हम रखेंगे 10 मिनट के लिए सिर्फ हाई फ्लेम में। गैस कर दीजिए बंद, चिकन हो गया तैयार। एक मैंने खा ली थी तो वीडियो नहीं बनाई, अब इसको हम सर्व कर लेंगे। इसके ऊपर आप लेमन भी फेंक सकते हैं, आपके टेस्ट अनुसार आप इसको खाएंगे। इतना सॉफ्ट है ये, देखिए टूट रहा है। ग्रेवी नीचे थोड़ी सी, इसको भी टेस्ट कर लीजिए, बहुत ही शानदार। ये देखिए इतना सॉफ्ट है।